एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द सम। ठीक है, तो ये हमने कुछ सम दे रखे हैं, ये मैंने टू पार्ट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको करते हैं। कैसे करना है इनको, तो देखो जब भी सम करते हैं हम फ्रैक्शंस का, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले डिनोमिनेटर होता है इसको सेम करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस ये है 5/4, यहाँ पे माइनस 11/4 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे। अगर हम प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका माइनस। ठीक है, अगर माइनस इंटू प्लस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस का साइन माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा 11/4। अब डिनोमिनेटर्स के सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5-11 हो जाएगा ये। ठीक है, 5-11 हो जाएगा। अब देखो 5-11 है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, 11-5 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, वो भी कौन सा माइनस का, बिकॉज माइनस वाला क्या है बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6/4। अगर इसको कट करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू -3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सम करके कितना आ रहा है -3/2 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, बट यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम ही है ना, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे, सेम करने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, ये भी 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 3/5 का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, या 5/3 का यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 5 25, 3 5 क्या हो जाएगा ये 15। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 3 3 ये 9 हो जाएगा और ये 5 3 यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा, इसको कॉमन ले लेंगे और 25 + 9 करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर को हम यहीं पर लिखते हैं 25 + 9 कितना होता है, 25 + 9 करेंगे, 5 और 9 कितना होता है 14, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर 34/15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके, थर्ड वन है हमारे पास -9/10 + 22/15 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 10 के टेबल में और 15 के टेबल में कौन सा कॉमन है, और 10 15 2 जो 30 होता है, 10 3 क्या होता है 30 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे -9/10 के साथ क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 22/15 के साथ क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 9 3 27, 10 3 30 हो जाएगा ये। इसको करेंगे 22 2 क्या हो जाएगा 44, माइनस ये क्या हो जाएगा 15 2 30 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, न्यूमिनेटर में क्या बचेगा -27 + 44। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो 44 में से क्या करेंगे 27 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास 17 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा ये 17 बचेगा, हाँ ठीक है, तो ये क्या बचेगा 17। तो यहाँ पे 17 कौन सा बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव बचेगा, बिकॉज पॉजिटिव वाला क्या है हमारे पास बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 17/30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
इसी तरीके से इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस थ्री अपॉन माइनस इलेवन है तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइव अपॉन नाइन है तो यहाँ पे अलग अलग है ना दोनों, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इलेवन के टेबल में और नाइन के टेबल में क्या आता है, अब देखो यहाँ पे इलेवन नाइन जब नाइन के नाइन होता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे थ्री अपॉन इलेवन के साथ नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फाइव अपॉन नाइन के साथ क्या करेंगे इलेवन का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो तब इसके जो हमारे थ्री नाइन का क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, इलेवन नाइन का नाइन के नाइन प्लस फाइव इलेवन फाइव का फिफ्टी फाइव, इलेवन नाइन का नाइन्टी नाइन, ठीक है। तो नाइन्टी नाइन को कॉमन ले लेंगे और ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टी फाइव आ गया यहाँ पे, 27 प्लस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 82 अपॉन 99, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ वाला है हमारे पास माइनस 8 अपॉन 19 और ये और प्लस माइनस 2 अपॉन 57 है, तो ये क्या जाएगा माइनस 8 अपॉन 19। अब यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है हमारा माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा और टू अपॉन 57। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा 19 के टेबल में क्या आता है 57 आता है ना, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, तो माइनस 8 अपॉन 19 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इसको 2 अपॉन 57 ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 थ्री जा 24, 19 थ्री जा 57 माइनस 2 अपॉन 57। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस 24 है और माइनस 2 है तो माइनस माइनस के साइन है तो क्या होगा यहाँ पे एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ऐड होगा और साइन कौन सा है माइनस का आएगा, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 24 प्लस यहाँ पे 2 करेंगे इनको तो माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो 26 अपॉन 57 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स वाला देखेंगे तो सिक्स वाले में क्या है हमारे पास, सिक्स वाले में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो माइनस 2 अपॉन 3 है प्लस 0 है, अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे 0 से तो कौन सा नंबर आएगा 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या आएगा माइनस 2 बाई 3 आएगा, ठीक है। 0 हट जाएगा बिकॉज 0 से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करें तो हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो 2n 1/3, 4n 3/4 है, सबसे पहले इनको नॉर्मल करेंगे तो एक जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7 अपॉन 3 हो जाएगा ये प्लस 5 4 20 20 + 3 23 अपॉन 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है तो इनके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 और 5 के टेबल में क्या कॉमन है 15 कॉमन है बिकॉज 3 5 = 15 होता है और 5 3 = 15 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस 7 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, प्लस 23 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा हमारा 7 5 = 35 अपॉन 15 आएगा और प्लस 23 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी 69 अपॉन 15 3 5 = 15। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर को सेम ले लेंगे कॉमन ले लेंगे 15 माइनस 35 प्लस 69, माइनस है प्लस है तो क्या हो गया आपको सब्सट्रैक्शन होगा, तो 69 माइनस करना है हमें 35, 69 प्लस का है और ये माइनस 35 है तो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, तो प्लस का क्या आएगा 34 आएगा। प्लस का क्यों आएगा बिकॉज प्लस वाला नंबर क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का
प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 34 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।